नमस्कार, glibs.in में आपका स्वागत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की मनमानी रवैये से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरवाही के शौचालय की कभी साफ सफाई ना होने की वजह से मरीजों को शौच के लिए खुले में मजबूर होकर जाना पड़ता है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत बनाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ खुलेआम स्वच्छ भारत मिशन को विफल करने का प्रयास किया जा रहा है। शौचालय पूर्ण रूप से गंदगी से भरा रहता है, जिससे पूरे स्वास्थ्य केंद्र में गंद आती है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें होती है। इससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। मरीजों ने बताया कि हम पिछले 2 दिनों से भर्ती है, लेकिन शौचालय की साफ सफाई ना होने की वजह से हम खुले में शौच के लिए जाते हैं। और वही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक्सरे मशीन तो है, लेकिन सालों से बंद पड़ी है। जब इस सारी समस्याओं पर BMO से बात की गई, तो उन्होंने आश्वासन देकर टाल दिया, लेकिन समस्या अब भी जस की तस बनी हुई है। बाहर जाते हैं। शिकायत किया आपने किसी को इसका? नहीं। डॉक्टर को कितने दिन से एडमिट हैं यहाँ पे आपके घर वाले? कितना दिन हो गए एडमिट हुए? नहीं, बहुत तो लाए, कल लाए। यानी कितना दिन से हुए? 2 दिन, 3 दिन? कल से लाए। शौचालय है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला, अच्छे निर्देश तो उनको अभी दिन भर साफ करे, जैसे भी है जानकारी मिलते ही मैंने उसको तुरंत कार्रवाई करके सफाई के लिए विशेष और अभी भी सवेरे भी ग्राउंड में लिया हूँ, जिस तरह से चाहिए वो है। और क्या है, स्वीपर की कमी तो है, 3 शिफ्ट में 3 स्वीपर चाहिए, लेकिन यहाँ एक ही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है। फिर भी अपन ध्यान देते हैं कि शौचालय तो विशेष रूप से साफ ही रहे, जिससे आम जनता को कोई परेशानी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। हम लोग तो बीमारी की रोकथाम में पहले शौचालय को ही जोर देते हैं कि खुले में शौच ना करें, तो ऐसा नहीं। For more information, log on to www.clips.in.